दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर, और ये 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का पहला पार्ट है जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 1 से लेकर 80 तक का साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी इस पर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे द्वारा ऐसे मैट्रिक के एग्जाम तक ले बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर लाया जाएगा जिसको देखकर आप अपने मैट्रिक के एग्जाम पेपर में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो जल्दी से चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों पहला सवाल में बोला गया है किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी यानी एफ का जो मान है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया समतल दर्पण, अवतल दर्पण, सी में दिया गया उत्तल दर्पण, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का क्या सही जवाब होगा आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्ता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। दोस्तों याद रखिएगा फोकस दूरी को हमेशा एफ द्वारा सूचित किया जाता है, वक्ता त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है, और एफ बराबर आर बाई टू होता है जिसे हमें ये पता चलता है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ का मान वक्ता त्रिज्या के आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बाई टू होता है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 3 कहता है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आसान शब्दों में कहें तो दोस्तों मनुष्य का जो आँख है वो कम से कम कितने दूरियों तक किसी वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जिसे 25 सेमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब यहाँ पे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोला जाएगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और दूर बिंदु बोला जाएगा ना, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 4 कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब लाल हो जाएगा। यदि आप प्रिज्म को देखेंगे इस प्रकार से प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, जब इस पर से श्वेत प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं ना तो इस प्रकाश ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, और सबसे जो नीचे वाला जो रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है, तो लाल आंसर हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा कौन झुकता है तो बैंगनी रंग हो जाएगा। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि किस रंग का तरंग दर्द सबसे अधिक होता है, तो तरंग दर्द सबसे अधिक की बात करें तो लाल हो जाएगा, सबसे कम किसका होता है तो बैंगनी का हो जाएगा। वहीं पे बात कर रहे हैं कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है तो बैंगनी हो जाएगा, किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है तो लाल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, यानी मनुष्य की आँख के द्वारा जो प्रतिमा बनता है वो किस प्रकार का प्रतिमा बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा मनुष्य की आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक एवं उल्टा होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पे सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मानव की आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों याद रखिएगा आकाश का जो रंग है ना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
और इसके बाद में अगला सवाल उसमें सात कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिसके माध्यम से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन आठ कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी वह कौन ऐसा लेंस है जिसके माध्यम से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नौ को देखिए। क्वेश्चन नौ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थितियों को दर्शाता है। दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर होता है जो विद्युत धारा की उपस्थिति या अनुपस्थितियों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक के माध्यम से ही दाएं हाथ के अंगूठे को प्रदर्शित किया गया था, और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। ठीक है, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसका ए सही मात्रक वोल्ट होता है जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ भी बोला गया है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट हो जाएगा। और विभव का सही मात्रक क्या होता है, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब वोल्ट ही हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा ही किसी भी प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति हमेशा काल्पनिक होती है, यानी माइनस में होती है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम दृष्टिकोण से। सवाल में हमसे पूछा गया है कि एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। इसी सवाल को कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक KWH बोल दिया जाता है, यानी किलोवाट हावर होता है। तो एक किलोवाट घंटा कितने जूलों के बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ना, ये सौर ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम लोग हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं, वहीं पे अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे अपसारी लेंस बोला जाएगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, अभिसारी लेंस बोला जाएगा तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। दोस्तों प्राथमिक वर्ण में यानी वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बनता है, उसे हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। जैसे लाल हो गया, नीला हो गया और हरा हो गया, तो ये तमाम जो रंग है ना, ये तमाम के तमाम रंग प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य के आँख का में जो एक आयरिस नामक भाग होता है, ये मनुष्य का रंगीन भाग होता है आँख का। तो क्वेश्चन का सही जवाब आयरिस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन 19 कहता है कि एक HP बराबर क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक HP बराबर 746 वाट होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 746 वाट। उसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है विशालक शीशा जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, इसमें होता है। दोस्तों याद रखिएगा, विशालक शीशा का जैसे ही नाम आएगा ना, तो सबसे ज़्यादा बड़ा विशाल क्षेत्र किसका होता है, तो आप कहेंगे सर उत्तल लेंस का होता है। तो जब विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इसका दृष्टि क्षेत्र भी विशाल होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए।
तो यहाँ पे कुछ में कैसे कहता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। तो किसी भी चालक तार के माध्यम से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए। साथ ही questionforexam.com पे जरूर विजिट कीजिए। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जाकर तमाम क्वेश्चनों का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही क्विज में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर घंटा जो है ना, ये आवेश का ऐसे ही मात्रक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेश का। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। दोस्तों याद रखिएगा, W के बराबर यानी वाट के बराबर क्या होता है, तो ये जूल प्रति सेकेंड होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे वोल्ट जो है ये किसका मात्रक होता है, तो विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और साथ ही वाट किसका मात्रक होता है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग संरक्षण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग संरक्षण के लिए उत्तरदायी गैस का नाम है CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल क्वेश्चन 26 कहता है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों याद रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं पे मनुष्य में भोजन का पाचन के लिए सहायक होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो HCl होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों कली चूना का जो अणुसूत्र होता है ना, वो CaO होता है, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि कली चूना या काली चूना भी कह सकते हैं, इस पर जब जल डाला जाता है ना, तो ये पानी की तरह दबकता है, इसी के साथ एक अभिक्रिया भी होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का अवक्षेप प्राप्त होता है। यही कारण है कि काली चूना पर जल डालने पे जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यदि ये चार ऑप्शन को देखेंगे, पहला से मिला है Cu यानी कॉपर, HG यानी हाइलोजन, Ag यानी अगस्टन, और D में दिया गया Au यानी ऑस्टम। तो यहाँ भी दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ऑप्शन देंगे ना तो वैसे ही स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। ये चारों ऑप्शनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील जो है ना वो कॉपर है, और यही अगर कॉपर नहीं देगा ना तो आपके एग्जाम पेपर में Al दिया जाता है, जिसे हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु के रूप में माना जाता है। अगला सवाल कहता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि ऑप्शन ए में दिया गया CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये कली चूना का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन बी में दिया गया CaCl2, इसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया CaOCl2, जिसे हम लोग ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग चूना जल के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए, कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों pH मान कितना हो जाएगा ये कैसे पता कीजिएगा, तो HP सुरेश नामक वैज्ञानिकों के द्वारा एक स्केल का आविष्कार किया गया, जिसका नाम रखा गया pH स्केल। अब pH स्केल की एक विशेषता ये होती है, इस पे 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि किसी बिलियन का pH मान 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो वो अम्लीय होता है, केवल 7 रहता है तो उदासीन हो जाता है, 7 से लेकर 14 के बीच में होता है तो उस बिलियन का pH मान क्षारीय हो जाता है।
तब बोला गया यदि किसी लाल लिटमस पत्र को कोई नीला करता है तो जाहिर सी बात है लाल से नीला करने का कार्य क्षार करता है, और क्षार का पीच मान 7 से ऊपर और 14 के नीचे होता है। तो 7 से ऊपर 14 के नीचे यहाँ पे 11 दिया गया है और 10 दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद में अगला सवाल है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों एल्काइन में देखिएगा ना, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइन में देखेंगे तो कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में लगभग 3-3 बॉन्ड बने होते हैं, 3-3 बंधन बने होते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए। क्वेश्चन 32 कहता है ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है। काफ़ी सिंपल होता है जब ग्लूकोज का आण्विक सूत्र पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का आण्विक सूत्र होता है, जिसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के भी 6 परमाणु होते हैं। अगला सवाल है कि उच्च वसी अम्लों में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उच्च वसी अम्लों में सोडियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं, क्योंकि साबुन में उच्च वसीय सोडियम लवण होते हैं और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण अपमार्जक में होते हैं। अगला सवाल कहता है एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा एकल बंधन CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं, वहीं पे एकल बंधन CO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कीटोन कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन चारों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या में क्या वृद्धि होती है। दोस्तों याद रखिएगा आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की जो परमाणु की संख्या होती है ना, ये घटने लगती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। बोला गया निम्नलिखित तत्वों को उसके धातु गुणों के आधार पर सजाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिथियम दिया गया है, तो लिथियम में हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में बी दिया गया है जिसे हम लोग ब्रेलियम कहते हैं, उसके अंदर ब्रेलियम लिखेंगे। उसके बाद में कार्बन को लिखेंगे, उसके बाद में ऑक्सीजन को लिखेंगे, उसके अंदर फ्लोरीन को लिखेंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम ब्रेलियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन को इस प्रकार से घटते बढ़ते क्रम में सजा देना है। अगला सवाल क्वेश्चन 37 कहता है सिलिकन क्या है। दोस्तों सिलिकन याद रखिएगा सिलिकन एक उपधातु होता है जिसको संकेतिक चिन्ह में SV कहा जाता है। एक होता है GE जिसे हम लोग जर्मेनियम कहते हैं, ये भी आपका उपधातु होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये चारों ऑप्शनों को देखकर बताना होगा कौन ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक तत्व है। पहला है कार्बन, Cl यानी क्लोरीन, Na यानी सोडियम, P यानी फास्फोरस। दोस्तों सोडियम जो है ना यह एक विद्युत धनात्मक तत्व है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 39 को देखिए कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा उत्तराखंड में ही टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सोडियम हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, और आपके मेट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो दोस्तों सोडियम जो है ना ये कमरे के समान ताप पे जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम किरोसिन तेल में अविलय होता है और उसके साथ कोई अन्य अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम हो या पोटेशियम, ये दोनों को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला सवाल है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी बनाया जाता है, AG सरफ भी बनाया जाता है और शैम्पू भी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। क्वेश्चन 42 कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों सौर सेल में सिलिकन नामक उपधातु का प्रयोग किया जाता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा
सीएनजी जो गैस है ना, कार्बन नाइट्रोजन गैस, इसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। बाकी एलपीजी का उपयोग किया जाता है, कोयला का उपयोग किया जाता है और बायोगैस का उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए कि 2Cu यानी कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2Cu यानी कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसलिए जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो दोस्तों संतुलित समीकरण करने के लिए उत्पाद और प्रतिफल अभिकारक प्रतिफल जो होते हैं ना, ये दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ तक तो ठीक है। क्लोरीन के यहाँ पे दो परमाणु है, यहाँ पे क्लोरीन के एक परमाणु है, जिसके कारण ये संतुलित नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में देखेंगे तो NaO3 और का होल ट्वाइस है, उसके बाद PB और यहाँ पे देखिए वो ऑक्सीजन के दो परमाणु, यहाँ पे दो परमाणु, तो दो दो चार हो गया और एक यहाँ पे है पाँच हो गया और तीन दो पाँच, यहाँ भी पाँच बराबर है। नाइट्रोजन के यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के एक परमाणु है, तो ये दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। अतः हम कह सकते हैं ऑप्शन बी में जो दिया गया है ना, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, बाकी तमाम समीकरण संतुलित है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 46 को देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? हम आप सभी को बता ही चुके हैं कि 1 से लेकर 7 के बीच में जो पीएच का मान आता है उसे हम लोग अम्लीय कहते हैं, 7 से लेकर 14 के बीच में आता है उसे क्षारीय कहते हैं, 7 रहता है उसे उदासीन कहते हैं। अतः उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। फिर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दोस्तों अम्ल क्या होता है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और वो नीले रेखा पद को लाल कर देता है। इसका पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में होता है। तो यहाँ पे अम्ल दो प्रकार के होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो हमसे पूछा गया है दुर्बल अम्ल, तो CH3COOH जो कि हम लोग फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो चींटी के डंक में भी पाया जाता है, तो ये आपका दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है क्रायोलाइट अयस्क है, तो दोस्तों क्रायोलाइट अयस्क है ना, तो यदि आप एल्युमिनियम का अयस्क याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा क्रायोलाइट, कोरंडम और बॉक्साइट, ये तीन अयस्क होते हैं एल्युमिनियम के। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप सभी को बता दें पोटेशियम का संकेतिक चिन्ह के होता है, इसका लैटिन नेम कैलियम होता है। इसका परमाणु की संख्या की बात करेंगे तो 19 हो जाएगा और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 19 में 2 से गुणा कर देंगे तो 19 × 2 = 38 हो जाएगा और 38 × 1 = 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 50 कहता है फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? दोस्तों फार्मिक अम्ल का जो यूपिक नेम होता है ना, ये मेथनोइक अम्ल होता है जो चींटी के डंक में भी पाया जाता है। तो मेट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा कि लाल चींटी या डंक मारने वाले तमाम चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, जिसे हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। अगला सवाल कहता है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का जो अनुसूत्र होता है ना, वो C2H5OH होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है एल्काइन कौन है? जैसा कि आप सभी को एल्काइन का फॉर्मूला बताया जाता है तो CnH2n होता है। यहाँ पे C2H2 जो है ना, ये एल्काइन के उदाहरणों में से एक है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 53 क्या कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए? तो दोस्तों चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है, जिसमें कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु की संख्या होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 को देखिए कि एसीटिलीन में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच कितने बंधनों की संख्या होती है? तो दोस्तों एसीटिलीन देखेंगे ना, तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में लगभग इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एसीटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, अर्थात ट्रिपल बंधन होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज का क्या नाम है?
दोस्तों श्वसन का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो बीज होता है ना, ये अंकुरित बीज का इस्तेमाल किया जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकुरित बीज। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 56 कहता है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क यानी मनुष्य का जो वृक्क है ना, ये किस प्रणाली का हिस्सा है? तो पोषण से तो होगा नहीं, श्वसन से तो होगा नहीं, परिवहन से भी नहीं होगा। लेकिन मनुष्य के वृक्क के द्वारा मनुष्य के शरीर में जितना भी अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये तमाम जो चीज़ है ना, मल मूत्र गोबर, ये सब उत्सर्जन क्रिया कहलाते हैं। ये किसके माध्यम से होता है? तो वृक्क के माध्यम से होता है। तो मनुष्य में उत्सर्जन का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है, और प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? तो एमिनो अम्ल, यूरिया और यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 57 कहता है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों याद रखिएगा, पौधों में जाइलमों के द्वारा जल का परिवहन होता है, वहीं पे फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के माध्यम से हो जाएगा। और पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो जाइलम ऊतक हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों श्वसन के दौरान जो है ना, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 कहता है कि फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो जितने भी फल होता है ना, ये एथिलीन हार्मोन के माध्यम से पकते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एथिलीन हार्मोन। अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देखिए, क्वेश्चन 60 यहाँ पे कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों न्यूरॉन का वह हिस्सा तमाम छात्रों को मालूम होगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को न्यूरॉन कोशिका कहा जाता है, जहाँ से तमाम जानकारियों को हासिल की जाती है, वैसे स्थान को डेंड्राइट कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 कहता है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? दोस्तों एड्रेनलिन जो हार्मोन है ना, ये आपातकाल हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब एड्रेनलिन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखिए उल्टी जो क्रिया है ना, ये आपका ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये आपका अनैच्छिक क्रिया है। अत्यधिक लार टपकना, इससे ही मनुष्य का कोई भी जोर नहीं है, ये भी आपका अनैच्छिक क्रिया है। दिल का धड़कना भी मनुष्य इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसीलिए आपका ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया चबाना, चबाने का जो काज है ना, मनुष्य अपनी इच्छा के माध्यम से ही कर सकता है, तो इसे हम कह सकते हैं चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों तक होती है? तमाम छात्रों को मालूम होगा कि 9 मंथ के बाद ही किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है। तो मनुष्य में गर्भ की जो अवधि होती है वो 9 माह होती है, और 9 माह को यदि आप दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मंथ में 30 दिन रख लीजिए, तो 9 × 27 ये कितना दिन हो जाएगा? तो 270 दिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? मेट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। तो गंगा एक्शन प्लान, इसी को कहा गया था गंगा सफाई योजना, जो 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। गंगा नदी की लंबाई बोला जाएगा तो 2510 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद में गंगा सफाई योजना कब चालू किया गया था? तो 1985 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? दोस्तों याद रखिएगा, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन जो है ना, ये ईस्ट में होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 66 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है श्वसन तंत्र से संबंधित है बोला गया है। तो देखिए डायरिया पेट में होता है, इसका श्वसन से कोई लेना देना नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। निमोनिया का भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा ना, तो बी में दिया गया टीबी, जिसका पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, टीबी
ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हिंदी में हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं। अगला सवाल उसमें 66 कहता है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मनुष्य की बात करें या जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं, ये तमाम जीव जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 68 कहता है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों ब्रेन हेमरेज होने का मुख्य जो कारण है वो हाइपर टेंशन है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 69 को देखिए, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। दोस्तों परजीवी पादपों के उदाहरणों की बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे कसकुट्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 70 कहता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो ये आलिंदों के माध्यम से पंप किया जाता है। दोस्तों आलिंद दो प्रकार के होते हैं, दया आलिंद और बायां आलिंद, और निलय भी दो प्रकार के होते हैं, दया निलय और बायां निलय। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण भागों द्वारा आलिंदों के माध्यम से ही पंप किया जाता है और तमाम भागों तक पहुँचाया जाता है। 71वां सवाल कहता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रा में लैंगिक जनन की जो विधि है ना, वो मुकुलन विधि होती है। इस विधि में क्या होता है कि जीव के शरीर से मुकुल निकल आता है और टूटकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब मुकुलन विधि हो जाएगा। उसके बाद में है कि जनन संचरित रोग है, ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों को देखकर बताना होगा कि कौन ऐसा रोग है जो जनन संचरित रोग है। तो देखिए सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गनोरिया भी है। अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, जनन संचरित रोग इनमें से सभी है। उसके बाद में है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं, और पुष्प में पाए जाने वाले नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं, वहीं पे मादा जनन अंग को हम लोग ज्यांग या स्त्री केसर कहते हैं। अगला सवाल कहता है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ब्लड समूह ए में हमेशा बी नामक एंटीबॉडी होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों याद रखिएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। आप तमाम छात्र छात्राएं एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते होंगे कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा की जाती है कि। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि रक्त में उपस्थित तमाम उत्सर्जी पदार्थों को अलग करता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी बीमारी है उसके पता चल जाता है। अतः इंसुलिन का काम होता है मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी पदार्थों को अलग करना या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। उसके बाद में है पादप हार्मोन है। दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है ना, उस हार्मोन को क्या कहते हैं। तो उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन हार्मोन, यानी पादपों में वृद्धि करने के लिए जो उपयुक्त हार्मोन का नाम है वो जिब्रेलिन हार्मोन है। अगला सवाल कहता है हार्मोन स्रावित होता है। तो हे दोस्तों हार्मोन का जो स्राव है ना, ये कहाँ से होता है। तो आप कहेंगे कि सर अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुँह में लगभग 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है एंड्रोजेम क्या है। दोस्तों एंड्रोजेन है ना, यहाँ पे जेम दिखा गया है लेकिन जेन होना चाहिए। तो एंड्रोजेन जो है यह एक नर हार्मोन है, जिसे आप मेल हार्मोन भी कह सकते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा फीमेल हार्मोन यानी स्त्री हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। यदि आप अनुवंशिकता एवं जैव प्रकरण नामक चैप्टर को पढ़ेंगे, जनन वाले चैप्टर, तो उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल के माध्यम से मटर के प्रयोग अनुवंशिकता का प्रयोग करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा मटर का पौधा का इस्तेमाल किया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंडल। फिर सवाल पूछा जाएगा कि अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है।
दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आप प्ले स्टोर से मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी एजुकेशनल वेबसाइट www.questionforexam.com वेबसाइट पर जाके आप तमाम क्वेश्चनों का एंसर फ्री में पा सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं मुकीम अंसारी आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा ही लीजिए ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देखकर आप अपने एग्जाम पेपर में अच्छे खासे नंबर ला सके। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।